तो बच्चों अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में कोयला का वितरण किस तरह से, मतलब कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार के कोयला पाए जाते हैं और कितने मात्रा में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इससे क्या प्रश्न बन सकता है, ये जो स्लाइड है इससे क्या प्रश्न बन सकता है, इस स्लाइड से प्रश्न बन सकता है, इतना से प्रश्न बन सकता है। भारत में कोयले का वितरण पूछेगा, भारत में कोयले के वितरण को बताएं, है ना, या पूछेगा कि प्रमुख जो है गोंडवाना क्रम के कोयलों का नाम लिखें, है ना, या झारखंड में प्रमुख कोयले क्षेत्र का नाम बताएं, है ना। तो अभी इसमें झारखंड पढ़ेंगे, पूरे भारत को पढ़ें तो पहले झारखंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, उड़ीसा पढ़ेंगे, उसके बाद और छोटे छोटे क्षेत्र जहाँ से कोयला पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में, झारखंड में कहाँ कहाँ कोयले पाए जाते हैं, ये हो गया झारखंड, है ना, झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है ना भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है ना, तो कोयला के उत्पादन के दृष्टि से देश का प्रथम राज्य है, कोयला उत्पादन के दृष्टि से देश का प्रथम राज्य है, और देश का 30% से अधिक कोयला झारखंड से ही उत्पादित होता है, 30% से अधिक कोयला जो है झारखंड से ही उत्पादित होता है, उत्पादन करता है। देखिए अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, जो झारखंड में जो कोयले जो जिसका उत्पादन होता है उसका उपयोग क्या होता है, तो धातु के लिए उपयोग होता है, धातु उद्योग में उपयोग होता है ना, जिसे कोकिंग कोयला के रूप में, कोकिंग कोयला क्या है, जिसे इस्पात को पिघलाने के लिए जिस कोयले का उपयोग करते हैं उसको हम लोग कोकिंग कोयला कहते हैं ना, तो उसके लिए उपयोग होता है। और इसके लिए जो है यह कोकिंग कोयला मुख्यतः जो है कोकिंग कोयला है भारत के मुख्य क्षेत्र जो है दामोदर घाटी नदी घाटी वाला क्षेत्र है ना, और दामोदर नदी घाटी में मुख्यतः जो है गोंडवाना क्रम की कोयला पाया जाता है। हम बताए थे जो है कोयला के दो प्रकार, टर्शियरी क्रम के कोयला और दूसरा जो था गोंडवाना क्रम की कोयला, तो गोंडवाना क्रम की कोयला और यह सबसे जो है पुराना प्रकार का कोयला है ना, तो दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से झारखंड में, तो इसको आप याद रखिए क्योंकि मैपिंग में भी पूछता है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कौन कौन सा है, तो पहला जो झरिया है, उसके बाद दूसरा नंबर बोकारो है, गिरिडीह है, रामगढ़ है ना, और रानीगंज, देखिए रानीगंज झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में। पूछे रानीगंज क्या है, तो रानीगंज मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है ना। अब हम लोग इसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे, देखिए देखिए भारत में जो है मुख्यतः कोयला क्षेत्र जो है चार नदी घाटी में पाया जाता है। पहला जो है दामोदर नदी घाटी, जो भारत का सर्वाधिक कोयला जो है दामोदर नदी घाटी से ही प्राप्त होता है ना। उसके बाद सोन नदी घाटी, उसके बाद गोदावरी वर्धा घाटी है ना, और महानदी घाटी, तो कितने हो गए, चार नदी घाटी में, और इन नदी घाटी में मुख्यतः गोंडवाना क्रम के कोयले पाए जाते हैं। अब देखेंगे झारखंड का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, तो झरिया है ना, पहला क्या है, देखिए झरिया है, ये झरिया हो गया है ना, उसके बाद ये बोकारो हो गया, उसके बाद ये रानीगंज हो गया। यह रानीगंज कितने राज्यों में बटा हुआ है, तो दो राज्यों में बटा हुआ है, पहला झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसके बाद रामगढ़ कर्णपुरा, ये मुख्य क्षेत्र हो गया कहाँ का, तो हो गया यह झारखंड का। पूछा है झारखंड का, इतना मैप डाल का बना दीजिएगा। और जो यहाँ रानीगंज है, रानीगंज भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन यहीं से होता है, रानीगंज से सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, यहाँ से सर्वाधिक कोयला उत्पादन है ना। तो आप समझ चुके हैं कि सोन नदी घाटी है ना, देखिए ये जो दामोदर नदी घाटी मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कुछ नोट वाली बातें हैं कि देखिए गोदावरी नहीं, दामोदर नोट में क्या है कि दामोदर नदी घाटी मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए बिटुमिनस प्रकार का कोयला क्या है, वैसा कोयला जो अधिक ताप एवं दबाव में जिसका निर्माण होता है उस कोयले को हम लोग बिटुमिनस प्रकार का कोयला कहते हैं, और जो उच्चतम प्रकार का बिटुमिनस कोयला है उसका उपयोग धातु उद्योग में हम लोग जिसे कोकिंग कोयला के रूप में करते हैं, और कोयला को हम लोग काला सोना के रूप में जानते। देखिए सोना से ज्यादा उपयोगी हम लोग के लिए कोयला है, क्योंकि सोना हम लोग केवल आभूषण पहनने के लिए कार्य करते हैं और उसका कोई अधिक महत्व नहीं है, लेकिन कोयला जो है इसका बहुत अधिक महत्व है, जो हम लोग बिजली जलाते हैं। इसके बाद अब देखते होंगे कि बहुत प्रकार के सीमेंट उद्योग में भी इसके जो है अवशेष बचते हैं उसका उपयोग होता है, तो कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में किस तरह का, अन्य राज्यों में इसका विस्तार है, अभी गोंडवाना क्रम के पढ़ रहे हैं, उसके बाद बताएंगे टर्शियरी क्रम के बारे में भी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।
अब हम लोग देखेंगे कि कोयला का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य में और अन्य राज्यों में किस प्रकार से है। कि छत्तीसगढ़ जो है भंडार की दृष्टि से तीसरा तीसरा है, और जो उत्पादन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ना भारत का। इसका मुख्य कोयला क्षेत्र कहाँ है? चिरामिरी है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य उत्तरी छत्तीसगढ़ और दूसरा जो दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आ जाएगा आपको चिरमिरी है ना, विश्रामपुर, सोनहाट है ना। उसके बाद दक्षिणी में जो है कोरबा, ये याद रखिएगा कोरबा है ना, कोरबा और रायगढ़, जान रहे छत्तीसगढ़ के रायपुर रायगढ़ है ना। तो ये दो याद रखिएगा कि इसका मुख्य कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ है मुख्य, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश सिंगरौली, ये सोन नदी घाटी में आते हैं। तो पूछेगा सोन नदी घाटी में मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सोन नदी घाटी, यहाँ पर सोन नदी घाटी है। और इसमें देखिए मुख्य क्षेत्र कौन है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कोरबा है ना, कोरबा हो गया है ना। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंगरैली हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगरैली है ना, सिंगरैली या सिंगरौली है ना। उसके बाद यहाँ पर रायगढ़, रायगढ़ याद रखिएगा बाबू है ना। तो ये जो है सोन नदी घाटी में मुख्यतः आते हैं है ना। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा जो है देश का एक चौथाई कोयले का उत्पादन करता है। कितना? एक चौथाई कोयले का उत्पादन करता है, और उच्च कोटि के कोयले, यहाँ से क्या होता है उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग भाप बनाने या गैस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। भाप, पूछे भाप एवं गैस क्यों बनाया जाता है बाबू? तो भाप और गैस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न कर सके है ना, इसलिए इसका हम लोग उपयोग किस चीज में करते हैं, तो भाप और गैस बनाने में। तलचर, उड़ीसा का जो मुख्य क्षेत्र है वह तलचर है, याद रखिएगा क्योंकि मैपिंग पूछ सकता है। तलचर मुख्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए तलचर दर्शाया गया है उड़ीसा में, और यह जो है महानदी घाटी में एकमात्र क्षेत्र है तलचर है ना। वहां से उत्तम कोटि के कहाँ पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली, चूंकि हम बता चुके हैं मध्य प्रदेश में कौन सा है, सिंगरौली, यहाँ पर देख लीजिए सिंगरौली है ना। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में पाया जाता है, और रानीगंज, यहाँ देखिए रानीगंज बता चुके हैं मुख्य क्षेत्र, और दार्जिलिंग में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया भारत में कोयले का वितरण। इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि और क्या क्या है। तो देखिए ये सभी जो थे बिटुमिनस प्रकार का कोयला था, ये किस प्रकार का कोयला था, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला था। अब देखिए प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं जहां से हम लोग कोयला का जो है उत्पादन होता है ना, इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? एंथ्रासाइट जो उत्तम, एंथ्रासाइट क्या है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो उत्तम प्रकार का कोयला है ना, एंथ्रासाइट उत्तम प्रकार का कोयला है, और ये जो जम्मू कश्मीर से पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा पाया जाता है बाबू? उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। हम लोग जितना पाए भारत के 80% जो है, 86% कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का होता है। तो जितना भी अब तक बताए वो सब बिटुमिनस प्रकार का कोयला, तो ये सभी क्या है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है अधिक जो है उत्तम, अधिक ताप और दाब वाला जो होता है उसके हम लोग जो है कोयला का इस्पात में उपयोग करते हैं ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीट, पीट नहीं देखेंगे, पीट तो सब घटिया किस्म का है ना, बिटुमिनस लिग्नाइट देख लेंगे है ना, लिग्नाइट, लिग्नाइट का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, तो लिग्नाइट देखिए यहाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में पाया जाता है ना, तमिलनाडु में क्या पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, बहुत बहुत भंडार है लिग्नाइट का है ना, लिग्नाइट का, रुकिए थोड़ा सा, लिग्नाइट मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है ना, तमिलनाडु में यह पाया जाता है लिग्नाइट। और यहाँ से देखिए यहाँ जो है भारत का 94% जो है लिग्नाइट कोयला यहीं से पाया जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि नवेली, नवेली जो है एक कंपनी है जो इसका खनन करता है, नवेली याद रखिएगा है ना, नवेली कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम है ना, जो लिग्नाइट का खनन करता है। इसके बाद गुजरात वगैरह में ही पाया जाता है लिग्नाइट, गुजरात में ही पाया जाता है ना, लेकिन उतना नहीं, सर्वाधिक पाने पाया जाता है तमिलनाडु, वहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप एक और आप याद रखिएगा कि जो है टर्सियरी क्रम का कोयला कहाँ मिलता है, टर्सियरी क्रम का कोयला कहाँ मिलता है, यहाँ देखिए ये टर्सियरी क्रम का कोयला जो है आपको पूर्वोत्तर भारत में मिलता है, इस वाले जो भाग में जो है टर्सियरी क्रम का कोयला मिलता है। इधर कौन सा है, तो मेघालय हो गया है ना, मेघालय, मेघालय मिलेगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में मिलेगा है ना,
उसके बाद असम में मिलेगा। इस सभी क्षेत्रों में कौन सा मिलता है? टर्शियरी क्रम का कोयला मिलता है। और यहाँ पर जो काला कोट में भी क्या पाया जाता है? काला कोट में ही पाया जाता है आपको टर्शियरी क्रम के ही कोयला पाया जाता है। और एंथ्रासाइट भी यहाँ पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट अभी एक डाल दीजिएगा यहीं से, क्या हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट बहुत ही अच्छा प्रकार का कोयला जो धुआं कम देता है और ताप ज्यादा देता है। तो टर्शियरी कहाँ आ जाएगा? तो आपका जो मेघालय हो जाएगा, मेघालय, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश और आसाम, है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीके से नोट कीजिए और इसको बहुत अच्छा तरीके से पढ़िए। देखिए बाबू, बहुत बच्चे का ये क्यूरी आ रहा है कि जो है मेरे माता पिता बोल रहे हैं ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो बताइए, आपके लिए माता पिता उतना मेहनत कर सकते हैं, आपके एक पेड़ की तरह पाल रहे हैं और फल की चिंता ना करें, हैं? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो मेहनत कीजिए, और यदि माता पिता आपके लिए उतना मेहनत कर सकते हैं तो आप भी उनके लिए मेहनत करके मात्र मार्क्स लाना है, कुछ नहीं करना है। आपको काम करने के लिए नहीं घर के माता पिता देते हैं, केवल पढ़ने के लिए पर सौंपे हुए हैं। तो आप पढ़ाई कीजिए और अच्छा बोर्ड में मार्क्स लाइए, है ना। इसी उम्मीदों के साथ आज का क्लास से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में पेट्रोलियम एवं अन्य जो है ऊर्जा संसाधन के रूप में। जय हिंद, जय भारत।